सो हे व्हाट्सअप गाइस, थक बाय हेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल और सिंगा की कंट्रोवर्सी तो आपको पता होगी। इनकी ये कंट्रोवर्सी अभी से नहीं बल्कि काफ़ी टाइम से चालू है। पहले तो ये दोनों लाइव आकर लड़ते थे, लेकिन भाई एक बार रजत दलाल उनके जिम तक पहुँचते हैं उनको मारने के लिए। रिसेंटली सिंगा ने रजत दलाल को रजत दल्ला बोला था। इसके बाद रजत दलाल उनके ऊपर गुस्सा हो गए थे। उन्होंने लाइव आकर सिंगा से सॉरी बोलने के लिए कहा था जाट कम्युनिटी से, क्योंकि उन्होंने जाट कम्युनिटी का सेंटीमेंट्स हट किया था। तो रिसेंटली रजत दलाल और सिंगा लाइव आए थे इंस्टाग्राम पर। इस लाइव को 70,000 से भी ज़्यादा लोग देख रहे थे एंड सिंगा ने सबके सामने जाट कम्युनिटी को सॉरी बोला। यस, वो क्या कहे ना, आप खुद देखो। मैंने अपने लाइव में भी हर जगह एक्सेप्ट कर रखा है कि भाई मेरा कभी कुछ ऐसा था नहीं। मैंने ऑन चैट तुम्हें गाली दी थी और दल्ला फॉर यू था, एक पर्सन के लिए था। बाकी हो सकता है कि इससे जिनका भी कम्युनिटी है दलाल और जो ओवरऑल जाट कम्युनिटी है उनको हो सकता है हर्ट हुआ हो, नसल। तो भाई मैं आपसे माफी मांगता हूँ और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले भी सॉरी बोल रखा है अपने लाइफ में और अभी भी बोल सकता हूँ, मुझे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये चीज़ ख़त्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज़ चले जा रही है, ऑलमोस्ट अब 1.5 महीना हो गया और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई कंक्लूजन एक महीना एक दिन, एक महीना एक दिन। अच्छी बात है आप गिन रहे हो, तो कोई भी कंक्लूजन निकल नहीं रहा है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, और तो मैं चाहता हूँ कि खत्म हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं एलवी शैडो के बारे में। तो क्या एलवी शैडो ने इनडायरेक्टली कुछ यूट्यूबर्स को एक्सपोज कर दिया? यस, 22 जनवरी को राम मंदिर का इनोग्रेशन था एंड इस इनोग्रेशन में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया था। तो कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि उनको भी इन्विटेशन मिला था। इसके बाद किसी ने एलवी शैडो से पूछा कि आपको इन्विटेशन नहीं मिला क्या, बाकी यूट्यूबर्स तो इन्वाइटेड थे। तो एलवी शैडो बताए कि ये न्यूज़ गलत है, कोई भी यूट्यूबर इन्वाइटेड नहीं था। वो अपने लेटेस्ट ब्लॉग में क्या कहे ना, आप देखो। भाई अभी मेरे कानों में ना उड़ती उड़ती खबर आई कि एक भाई मेरे को कहता, भाई आप राम मंदिर के लिए इनवाइटेड नहीं थे क्या भाई, और यूट्यूबर तो इनवाइटेड थे। मैंने कहा हैं, मैं कहा इनवाइटेड थे कौन, इनवाइटेड थे? कह रहा भाई और इनवाइटेड थे, नाम लिया। मैं कहा हैं, फिर मैंने चेक करा भाई, मैं हैरान हो गया। मैंने लिस्ट चेक करी, फिर मुझे पता लगा सूखी हवाबाजी चल रही है, भगवान के नाम पर हवाबाजी चल रही है। नुका भाई वो तो कहता डोल रहा, नुका हम तो इन्वाइट हुए, हम तो इन्वाइट हुए, कोई इन्वाइट ना हुआ, एक यूट्यूबर इनवाइट ना हुआ, सिंगल यूट्यूबर। और भाई मैंने भाई तभी पूछी, मैंने कि भाई राम मंदिर में कोई यूट्यूबर इनवाइटेड था? तो चलिए अब बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। UK07 राइडर और एलवी शैडो के बीच एक रेस होने वाला था। अगर आपको याद होगा तो पिछले बार भी इन दोनों के बीच रेस हुआ था एंड उस रेस को UK07 राइडर हार गए थे। तो कल इन दोनों के बीच फिर से ड्रैग रेस हुआ एंड इस रेस को UK07 राइडर जीत गए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स वाला के बारे में। तो फिजिक्स वाला को तो आप जानते होंगे, उन्होंने अपनी जर्नी यूट्यूब से स्टार्ट की थी एंड अब उनका नेटवर्थ हजारों करोड़ का है। तो फिजिक्स वाला अब लॉन्च कर रहे एलिमेंट्री स्कूल। जी हाँ गाइज, रिसेंटली उन्होंने एक स्कूल खोला है PW गुरुकुलम एंड इस स्कूल में क्लास 7 तक पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। तो सर, रतन टाटा मुंबई में एक हॉस्पिटल खोलने वाले हैं एंड ये हॉस्पिटल एनिमल्स के लिए होगा। इस हॉस्पिटल को मार्च के फर्स्ट वीक में ओपन किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। तो राहुल गांधी को भाई बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, उनके ऊपर मीम्स भी बनते हैं। तो अभी राहुल गांधी का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एक स्पीच दे रहे थे, आप खुद देखो ना उन्होंने क्या कहा। आप मुझे बताइए, GST से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं नहीं, हाथ नीचे करो। तो भाई अब राहुल गांधी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, आप ये मीम्स देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो जसप्रीत बुमराह हेटर्स को रिप्लाई दिए। जी हाँ गाइज, जसप्रीत बुमराह इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेले एंड वो ICC टेस्ट मैच के नंबर 1 बॉलर भी बने। तो बहुत सारे लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट किए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इनडायरेक्टली हेटर्स को रिप्लाई दिया। यस, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये पोस्ट किए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो आपको पता होगा यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है, बहुत सारे लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है लास्ट 3 ईयर्स में यूट्यूब ने क्रिएटर्स को कितना पैसा शेयर किया है? तो वो है 70 बिलियन डॉलर्स। भाई सब क्रेजी। मिस्टर बीस्ट भी इस पर रिएक्ट किए ना, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि इन द लास्ट 3 ईयर्स यूट्यूब हैज शेयर ओवर 70 बिलियन डॉलर्स ऑफ एड रेवेन्यू विद पीपल हु अपलोड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। दिस हैज चेंज माइंड एंड मिलियंस ऑफ lives, such a beautiful stat. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें एंड आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड थग भाई को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।